व्हाट्स अप गाइस, दिस इज आरएस की चार्ट। एंड जैसे कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में भूम भाम की आउटलाइन ड्रॉ करी थी, सो आज के इस वीडियो में मैं उसी रेफरेंस फोटोग्राफ को शेडिंग करने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने उस वाली वीडियो को आउटलाइन वाली वीडियो को नहीं देखी है तो देख लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक देखना। एंड उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे सब्सक्राइब बटन, उसे भी क्लिक कर लेना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द शेडिंग। पहले तो मैंने इसकी इस जो ड्राइंग है उसे मैंने आई से स्टार्ट करी है, इसे शेडिंग करना। सो मैंने आई को शेडिंग करने के लिए जो बीच में रेटिना होती है, जो डार्क पार्ट होती है, उसे मैंने डायरेक्टली 10B ग्रेड की पेंसिल यूज़ करी है। एंड जो 10B ग्रेड की मैं बात करूँ तो वो मैंने आउटलाइन का यूज़ किया है। एंड सिंपली कुछ इस तरीके से मैंने उसे शेडिंग किया है। एंड देन मैंने मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ करके फर्स्ट लेयर के लिए यूज़ किया है। एंड अगर मैं मैकेनिकल पेंसिल्स में लीड की बात करूँ तो वो मैंने HB ग्रेड की लगाई है। सो सिंपली कुछ इस तरीके से मैंने सारे वैल्यूज़ को दिया है। एंड मैंने जो आइज़ में मैंने शेडिंग करी है, फर्स्ट लेयर दिया है, उसे मैंने ब्लेंड करने के लिए ईयरबड का यूज़ किया है। एंड सिंपली कुछ इस तरीके से ब्लेंड किया है। एंड देन मैंने HB ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करी है जो कि स्ट्रेटलर की थी। मैकेनिकल पेंसिल्स से मैंने फर्स्ट लेयर दिया एंड देन मैंने सेकेंड लेयर के लिए स्ट्रेटलर का HB ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करी है। एंड सिंपली कुछ इस तरीके से दिया है। एंड देन और भी ज़्यादा जो डार्क वैल्यूज थे जो HB ग्रेड से नहीं दिए जा सकते थे, उसे मैंने 4B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ किया है। एंड सिंपली मैंने उन सारे वैल्यूज़ को अचीव किया। इसकी आइज़ को ड्रॉ करने के लिए जब हम कोई भी आइज़ ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें हाईलाइट्स पार्ट को देखते हुए ही शेडिंग करनी होती है। ये आइज़ की बात नहीं है, हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो हाईलाइट्स पार्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उस चीज़ को आपको देखते हुए देनी है। जितने भी हाईलाइट्स पार्ट है उसे आप छोड़ते हुए शेडिंग करो तो आपकी जो ड्राइंग है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लगेगी। एंड जो इसकी ग्लासेस की जो साइड वाली जो डार्क पार्ट है उसे मैंने डायरेक्टली डायरेक्ट 10B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करके जो कि आउटलाइन की थी उसे मैंने यूज़ करके उन सारे वैल्यूज़ को दिया है। एंड मैंने ईयरबड से ब्लेंड करने के बाद मैंने ब्रश का भी यूज़ किया इसे ब्लेंड करने के लिए। एंड देन सेम प्रोसेस जिस तरीके से मैंने फर्स्ट आइज़ को ड्रॉ किया था उसी तरीके से मैंने सेकेंड आइज़ को भी ड्रॉ किया है। अब मैं इसकी फोरहेड शेडिंग कर रहा हूँ। एंड मैं इसकी फोरहेड को शेडिंग करने के लिए फर्स्ट लेयर मैंने स्ट्रेटलर की HB ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करी है। एंड सिंपली कुछ इस तरीके से मैंने फर्स्ट लेयर देके एंड ब्लेंड किया है। एंड देन मैंने स्ट्रेटलर की ही 2B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करा। एंड देन जो और भी डार्क वैल्यूज थे उसे मैंने 4B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करके कुछ इस तरीके से दिया है। सो एंड ऑल्सो इसे मैंने ब्लेंड करने के लिए इसमें कॉटन क्लोथ का यूज़ किया है बिकॉज इसकी जो प्लेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सो इसे अगर हम ईयरबड का यूज़ करेंगे इसमें तो इसमें जो टेक्सचर्स आ जाएगी उसकी ईयरबड की। सो इसीलिए मैंने इसे कॉटन क्लोथ का यूज़ करके कुछ इस तरीके से ब्लेंड किया। अगर हम इसकी आईब्रोज की बात करें तो इसकी आईब्रोज ड्रॉ करने के लिए मैंने तो फर्स्ट स्ट्रोक्स मैंने मैकेनिकल पेंसिल जो कि 0.3 mm की थी उससे स्ट्रोक्स दिया। जिस डायरेक्शंस में मुझे रेफरेंस फोटोग्राफ में दिख रही थी सेम उसी डायरेक्शंस में मैंने स्ट्रोक्स को दिए हैं। एंड देन सेकेंड स्ट्रोक्स के लिए मैंने डायरेक्ट 10B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ किया एंड कुछ इस तरीके से दिया। एंड हाँ, जो 10B ग्रेड की पेंसिल्स हो वो उसे आप थोड़ी सी साफ कर लेना ताकि जो स्ट्रोक्स है वो आपकी क्लियर दिखे, अदरवाइज आपकी स्ट्रोक्स थोड़ी सी फ्लैट टाइप की आएगी तो आईब्रोज जैसी नहीं दिख पाएगी। एंड देन अब मैं हेयर को ड्रॉ करूँगा। एंड हेयर को ड्रॉ करने के लिए मैंने सेम उसी तरीके से पहले तो मैंने फर्स्ट स्ट्रोक्स जिस डायरेक्शंस में आपको रेफरेंस फोटोग्राफ में दिख रही है उसी डायरेक्शंस में मैंने फर्स्ट स्ट्रोक्स दिया है मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ करके। एंड देन मैंने इसमें भी अपने पेंसिल्स को शार्प किया। एंड देन मैंने सेकेंड लेयर के लिए 10B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करी है। एंड कुछ इस तरीके से मैंने इसकी हेयर को ड्रॉ किया है। जब आप हेयर भी ड्रॉ करते हो तो उसमें भी कुछ कुछ हाईलाइट पार्ट होते हैं, सो उस हाईलाइट पार्ट्स को आपको देखते हुए ही शेडिंग करनी है, स्ट्रोक्स को देनी है। वीडियो को देखते रहो एंड जहाँ समझ में ना आए हमें कमेंट में ज़रूर पूछना। सो कीप वॉचिंग एंड एन्जॉय द वीडियो।